मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति को पिछले एक साल से गायब कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा के थक चुकी है। कटघर की रहने वाली रूबी ने अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति प्रदीप को पिछले एक साल से कहीं गायब कर दिया गया है। उसकी दो बेटियां हैं जिन्हें पालने में वह मेहनत मजदूरी कर रही है। रूबी ने बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं। शादी के समय से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा और अब चोरी छिपे उसके पति की दूसरी जगह शादी कर दी गई। उसे शहर से बाहर भेज दिया गया है। वे न्याय के लिए मुरादाबाद के सभी अधिकारियों के यहाँ शिकायत लेकर पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। रूबी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम प्रदीप कुमार। क्या हुआ, कितने दिन से लापता है, क्या पूरा मामला, क्या क्या बता के गएगा? कोई मुझसे कुछ भी बता के नहीं गए। घर से रोटी गए थे और उसके बाद घर वापस नहीं लौटे, लेकिन उसके बाद मैंने जब जानकारी करी तो पता चला कि घर वालों की सबकी साजिश है। मेरे सास ससुर की दोनों मेरी नंद हैं, पूनम रजनी नंदोई हैं, उमेश हरिओम, इन सबकी साजिश है। उन्होंने कहीं दूसरी मैरिज करा के बाहर शिफ्ट करा दिया और एक साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं लगातार परेशान हूँ, हर जगह धक्के खा रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। आपको इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, कहीं भी पता चला, किसी ढूंढने के प्रयास किया, रिश्तेदारों में कहीं पता चला नहीं? मैंने सारी जगह ढूंढ लिया जहाँ जहाँ मुझे जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी रिश्तेदारों से ये पता चला है कि इनकी नॉलेज में इन्होंने ही जानबूझ के छुपाया है उनके घर वालों ने। कितना टाइम हो गया हस्बैंड को गायब हुए? एक साल 19 सितंबर को एक साल बीत चुका है। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की थी इसकी? मैंने थाना कटघर, SSP, SPCD, CO सारी जगह चली गई, DM, महिला थाने, नारी थान केंद्र और लखनऊ पोर्टल पे भी डाल रखी। क्या कहा पुलिस ने आपसे, क्या क्या कहती है पुलिस? पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस आश्वासन देते हैं कि आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला है मुझे। किस तरह से खर्चा करती हैं आप, किस तरह से रहती हैं फिर आप पति के बिना? मैं पति के बिना बहुत परेशान हूँ, लेकिन बच्चों को पालना है तो उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ, जो भी मुझसे होता है मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी दो बेटियाँ हैं। शादी को कितना टाइम हुआ आपकी? मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। किस पे शक है आप, मतलब किस पे शक करती है, मतलब गायब करा है, मतलब क्या किस क्या कैसे मानती हैं आप? मेरे जो ससुराल वाले हैं, जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उस दिन से मुझे कम दहेज लाने के चक्कर में परेशान करते थे लगातार और कहते थे जब जितना इन्होंने मांगा मेरे माँ बापों ने दिया, यहाँ तक कि अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दिया, गरीब थे फिर भी उन्होंने सब कुछ दिया। उसके बाद भी ये लगातार मेरा शोषण करते रहे, मारपीट अत्याचार, मेरे पति से भी मुझे परेशान कराते थे और कहते थे कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम तुझे इसी तरीके से परेशान करेंगे और तेरे पति की दूसरी शादी कर देंगे। वही आज इन्होंने किया, मैंने सारी जानकारी निकाली है तो मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे पति को जबरदस्ती किसी दूसरी महिला के साथ शादी करा के बाहर भेज दिया और बताने को तैयार भी नहीं है।